So hello everyone, and as you guys requested, a guide video on Inteleon. So guys, here it is. And Inteleon is right now the one of the most broken attacker in the game. So first guys, let's just talk about the passive move. Okay, the passive move is basically camouflage. ठीक है, तो तुम लोग जब भी कैमोफ्लाज नियर वॉल जाओगे, ग्रास के नियर नहीं होता, ठीक है? ये ग्रासेस के नियर नहीं होने वाला, जस्ट वॉल्स के नियर होने वाला है, सपोज इधर. ठीक है, एंड जब भी तुम कैमोफ्लेज होंगे तब तुमको मिलेंगे एक पैसिव स्टैक. एक हो गया, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा एक होने का, तुमको वॉल स्विच करना पड़ेगा, तुमको उधर ही मिलता रहेगा अपना जो पैसिव का स्टैक है. ठीक है, द स्टैक इज बेसिकली तुम्हारे हेल्थ बार के नीचे जो 3 डायमंड्स या फिर 3 डॉट्स दे सकते हो. ठीक है, सो दोज आर दी श्योर 100% क्रिटिकल हिट रेट. डजेंट मैटर बेसिक अटैक होगा या फिर तुम्हारा स्पेशल जो मूव है वो होने वाला है वाटर गन. सो या एंड सेकेंड थिंग गाइज, जो ये वाटर गन है, वाटर गन का मैं तुमको बाद में बताता हूँ. फर्स्ट ऑन द स्पॉन यू विल गेट द गाइज टीयरफुल लुक एंड वाटर गन. सो फर्स्ट तुमको गाइज वाटर गन ही चूज करना है, बिकॉज तुम जब भी जाओगे आगे तुमको ऐसा पैसिव मिल जाएगा पैसिव का. सो टीयरफुल लुक बेसिकली तुमको एक पैसिव देता है. सपोज कि अगर मैं यहाँ पे यूज कर दिया अपना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूंगा, तो देखो एक पैसिव मिला मेरे को, कोई डैमेज वैमेज नहीं, जस्ट एक पैसिव का मेरे को स्टार मिलेगा. एंड तुम एज अ लास्ट रिंग टूल इसको चूज करो. डैमेज देखो 1680, ठीक है, एज अ फर्स्ट लाइक नॉन स्टैगिंग बेल्ट पे बहुत ओपी है. एंड लास्ट सेटिंग टूल तो भाई गजब लेवल का है. ये देखो इधर से लेके, और रेंज देखो इसका कितना लंबा है. ठीक है, तुम इधर से लेके सीधा उधर तक दे सकते हो आराम से. सो आफ्टर गाइज लेवल अप, लेट्स जस्ट डबल इट अप. ओके, सो वी विल गेट द एक्रोबैटिक्स एंड फेल स्ट्रिंगर. सो आई वुडंट रिकमेंड यू प्लेइंग द फेल स्ट्रिंगर बिल्ड इफ यू आर नॉट प्लेइंग ऑन निंटेंडो स्विच और एमुलेटर. बट अगर तुम एक मोबाइल पे खेल रहे हो, सो फॉर श्योर आई विल टेल यू टू प्ले एक्रोबैटिक्स, बिकॉज एक्रोबैटिक्स इज लाइक अ जंप किक अब डोड्रियो और सिंड्रेस का ब्लेस किक. बिकॉज एक्रोबैटिक्स बहुत हल्का सा डैमेज देता है. ठीक है, जैसा ब्लेस किक देता है ना, बहुत हल्का सा डैमेज तो वो देता है बेसिकली. यहाँ पे देख सकते हो, मैं देख के दिखाता हूँ, ये देखो 500 का डैमेज है. ठीक है, क्योंकि बहुत कम है लेट गेम पे. सो ये एक तुमको, अगर तुम वेट मेरे को एक बार इसको पैसिव का जो 3 स्टैग है ना इसे दूर कर लें, तो 1 2 3. ठीक है, इस तो अभी मैं तुमको समझाता हूँ एक्रोबेटिक्स क्या करता है. एक्रोबेटिक्स बहुत कम एक डैमेज है, बट तुम्हारा एक मोबिलिटी मूव है बेसिकली. सो एक्रोबेटिक्स अगर तुम ओपन में करते हो ऐसे खुले में, तो तुमको 1 स्टैग मिलेगा. ठीक है, सो इसको यूज़ कर लेते हैं. हाँ, सो अभी नेक्स्ट एक्रोबेटिक्स अगर तुम कोई जंगल पोकेमॉन या फिर वॉल पे यूज़ करते हो, ठीक है, तो वॉल पे यूज़ करने का तुमको क्या मिलने वाला है, ये देखो 1 2, देखो 2. ठीक है, 2 मिले. सो बेसिकली इसको वापस से एक बार मैं यूज़ कर देता हूँ 2 को. एंड अगर तुम अक्रॉस द वॉल भी जा सकते हो, अगर वॉल शॉर्ट है, ठीक है, तुम ऐसे से नहीं जा सकते. ठीक है, ऐसे से तुम नहीं जा सकते अक्रॉस द वॉल, बट तुम ऐसे करोगे ना तो ऐसे तुम इजीली जा सकते हो. सीधा शॉर्ट होना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस वॉल्स पे ट्रैवल नहीं कर सकते. सो ये दिमाग में याद रखना. सो लेट्स जस्ट लेवल इट अप एंड स्विच टू लेकोरेशन. एंड यहाँ पे इंटेलिजेंट बन जाते फटाफट. एंड अब हम लोग इंटेलिजेंट बन चुके हैं. ठीक है, सो फर्स्ट गाइस मैं तुमको नहीं बोलूंगा स्नैपशॉट खेलने का. अगर तुम एज अ सिक्योर खेलोगे, बढ़िया सिक्योर खेलते हो, तो सिक्योर खेलने के लिए तुम स्नैपशॉट खेल सकते हो. बट आई फील लाइक कि स्नैपशॉट खेलने का तुम्हारा जो पोटेंशियल है ना इंटेलिजेंट का, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. सो अगर सिक्योर खेलना है बस तभी खेलो, और एल्स गाइस जस्ट गो फॉर द लिक्विडेशन. ठीक है, एंड मैं तुमको एक बार बता दूँ कि तुम्हारे पास सपोज 3 स्टैक्स है. ठीक है, और देखना कि कितना ज़्यादा यहाँ पे कूलडाउन कम हो जाएगा एक्रोबैटिक्स एंड लिक्विडेशन कॉम्बो. लिक्विडेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं सेट करा एंड वॉल पे यहाँ पे करा. देखो वेट 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 मूव कूलडाउन ऑन. हाँ, अभी देखो यहाँ पे करा 6 सेकेंड, यहाँ पे करा 2 सेकेंड हो गया, 6 से 2 सेकेंड हो गया. ठीक है, बट अगर तुम ये मूव को एज ए मोबिलिटी मूव यूज़ करते हो सपोज पीछे आने के लिए, तो ये ऐसा होगा, तो तुम्हारा जो कूलडाउन है ना कम नहीं होने वाला. ये देखो इसको सिलेक्ट किया, देखो कूलडाउन कम नहीं हुआ, कूलडाउन बढ़ा का बढ़ा ही रह गया. मैं तुमको और एक बार दिखा दूंगा गाइस कूलडाउन कैसे कम करते हैं. पहले सिलेक्ट करना, देन वॉल पे करना, वॉल पे या फिर जंगल पोकेमॉन पे करना, तभी जाके तुम्हारा, या फिर एनिमी पोकेमॉन में भी कर सकते हो, तुम्हारा लिक्विडेशन का जो रीसेट है ना वो रीसेट बहुत जल्दी से आ जाएगा. ठीक है, एंड अभी चलो गाइस मैं तुमको यूनाइट मूव का समझा देता हूँ. यूनाइट मूव क्या है, रुको इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ एक बार. इसे पैसिव के डॉट्स है ना, 1 2 3. चलो, तो तुम्हारा जो यूनाइट मूव है बेसिकली ये कुछ नहीं करता उतना ज़्यादा कुछ डैमेज, ये बस तुम्हारा जो एरिया है वो एरिया स्कैन करता है. सपोज कि कोई जंगल पोकेमॉन है, ठीक है, जंगल पोकेमॉन बैठा हुआ है, सॉरी ओपोनेंट का पोकेमॉन बैठा हुआ है बुशेस पे, तो अगर ये ऑन करोगे ना वो स्कैन कर लेगा. ये देखो तुम्हारा सर्कल बना हुआ है, ये करेगा. एंड यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली मेरे को यहाँ पे यूनाइट मूव ऑन करने का जो ये तो पैसिव के स्टैक्स है ना, पैसिव के स्टैक्स कंटिन्यू आए जा रहे हैं. तो ये बहुत एक बेसिक सा यूनिट मूव है. एंड यूनिट मूव जाते ही तुम्हारे जो पैसिव का स्टैक है क्रिटिकल हिट का वो आना बंद हो जाएगा, तो तुमको वापस एक्रोबैटिक्स वगैरह करके लाना पड़ेगा. सो यही थी गाइस एक शॉर्ट सी वीडियो इंटेलिजेंट के गाइड के ऊपर. एंड मैंने कल भी वीडियो डाला था गाइस, वीडियो का लिंक मैं एकदम टॉप में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ऊपर कार्ड में भी आई बटन पे भी दे दूंगा. मेक श्योर टू चेक दैट आउट कि तुमको इंटेलिजेंट कैसे खेलना है. तुमको बहुत गलत वाला
डैमेज कैसे निकालना है एंड लिटरली केओस्टिक फोर वगैरह कैसे निकालना है। तो मैं तुमको उधर ही वीडियो में मिलता हूँ। आई होप तुमको गाइड वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक जरूर कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।